ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। मदरसन सुमी, क्या करे, खरीदे या बेच दे, यही सवाल हाल फिलहाल सभी के मन में होगा। चलिए जानते हैं क्या उसके फंडामेंटल है, क्या उसके टेक्निकल लेवल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं, और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। गुड क्वालिटी का स्टॉक है, गुड क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 15.64%, आप इसकी EBIT ग्रोथ देख लीजिए 11.94%, आप इसकी नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए जो कि है 0.85, जो कि 1 से कम है। आप इसकी प्लेज सेल देख लीजिए जो है 3.72, मीन्स के कंपनी ने प्लेज सेल रखे है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि कोई दिक्कत आ सके। अब हम इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। हाल फिलहाल ये फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड करा है, जो भी वैल्यू 96 से 189 के बीच होगी इसको फेयर वैल्यूएशन पे डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 23.86, आप इसकी इविट टू इविटा रेशियो देख लीजिए जो कि है 9.17, हम इसको ROCE देखेंगे जो है 17.92%, इसकी ROE देख लीजिए 14.71% है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का कंपैरिजन होगा। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 4.24% की एक अपसाइड दिखाई दे रही है नेट सेल्स में। आप इसकी क्या है कि नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें भी थोड़ी अपसाइड दिखा रही है 5.37% की, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें हल्का सा दबाव देखने को मिला है जो कि है 1.04%। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो पिछले ईयर से इस ईयर की कंपैरिजन होगी। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए जो कि 11.56% से अपसाइड आई हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें भी 1.08% की अपसाइड देखने को मिली है। आप इसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें 0.66% की एक डाउन साइड देखने को हमें मिली है, जो कि इसके रिजल्ट से मेरे को इसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब इसकी सेरोलिन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब हम इस कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आप देख लीजिए, प्रमोटर के पास 61.73% की एक बढ़िया होल्डिंग रखी हुई है। आप इसमें FIS की होल्डिंग देख लीजिए, 18.11% की होल्डिंग FIS के पास है। म्यूचुअल फंड के पास 8.48% की एक होल्डिंग रखी हुई है। मेरे को इस शेयर में एक दिक्कत दिख रही है, वो क्या है कि प्लेज शेयर कंपनी ने 3.72% के शेयर अपने गिरवी रखे हुए, लेकिन यह इतनी बुरी बात भी नहीं है। चलिए अब जानते हैं किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया सा प्रॉफिट हो। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और आपको भी किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं, जिसपे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब हम मदरसन सुमी के चार्ट के ऊपर आ गए। देखिए ये आपको माउंटेन वाला चार्ट दिखेगा, 2016 में इसने अपसाइड चालू की और 2018 में बाद में नीचे आना स्टार्ट किया। जब ये नीचे आ रहा है तब ये दो लाइन के बीच में नीचे आ रहा है। देखिए ये इधर ये लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और ये लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए इधर भी सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस दे रखी, चार बार इस लाइन पे रेजिस्टेंस ले चुका है। अभी ये हाल फिलहाल में 121 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस हमें क्या है कि ये शेयर हमें 107 और 90 के बीच में मिल जाए तो बेहतरीन बाय अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि क्या है कि ये प्राइस पे आएगा तो इस पर एक सपोर्ट लेके आए थे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इधर से ऊपर जाएगा। हम इसमें तेजी कब दे सकते हैं, जब ये लाइन को ये तोड़ेगा और उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तब हम मान सकते हैं इसमें तेजी आ चुकी है। हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं, तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।